देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला में जन सेवा के कार्यों के लिए समर्पित नव युवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने खाटू श्याम मंदिर अम्बाला शहर के निकट रेहड़ी पर अपना दुखदायी जीवन बिताने वाले एक बाबा जी का यथोचित उपचार करवाकर उन्हें असहनीय पीड़ा से छुटकारा दिलाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नव युवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अमित शर्मा ने बताया कि उन्हें खाटू श्याम मंदिर अम्बाला शहर से किसी श्रद्धालु का फोन आया था। श्रद्धालुओं ने उन्हें बताया था कि एक बाबा जी यहाँ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से मांग कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट में हाथ में फ्रैक्चर और पाँव में गंभीर चोट आने के कारण वे अपनी रेहड़ी में लेटकर ही अपनी दुखदायी जिंदगी बिता रहे हैं। सूचना मिलते ही नव युवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने इन बाबा जी के इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में बाबा जी के सारे टेस्ट और एक्सरे करवाए गए। इसके बाद इनका इलाज शुरू हुआ। नव युवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी के सभी साथियों के सहयोग से इन बाबा जी का सफलतापूर्वक इलाज करवाया। अब इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रधान अमित शर्मा ने बताया कि नव युवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी समाज के जरूरतमंदों की सेवा में दिन रात समर्पित रहती है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे पास फोन आया कि एक बाबा जी खाटू श्याम मंदिर अम्बाला शहर के बाहर रहते हैं, वहीं मांग कर अपना गुजारा करते हैं, इसी रिक्शा पर सोते हैं। कुछ दिन पहले इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें ई रिक्शा इनकी पलट गई और पैर पे और हाथ पे काफ़ी चोट लगी। तो आज संगठन के साथ ही इन्हें आरोग्यम अस्पताल अम्बाला शहर में लेकर आए हैं, जहां डॉक्टर साहब को चेक करवाया गया है। आगे पूछते हैं इनसे। हाँ जी बाबा, क्या हुआ था आपको? ये तो मैं भोजन करने आ रहा था खाटू श्याम के मंदिर से, एक बाइक वाला हमको मार दिया। बाइक वाला उसको जो मोटरसाइकिल चलाता है बड़ा वाला, वो पैसे वाला मार दिया हमको। बिल्ला फेंका गए गाड़ी पर से, गाड़ी पलट गया हमरे पर। चोट बहुत जबरदस्त है और आपसे मैं आपके सामने हूँ, मैं बातें लिखी हूँ। डॉक्टर साहब को चेक करवा दिया, उन्होंने सारे टेस्ट लिख दिए आपके, दवाई लिख दी है। तो कुछ लोग देखे हमको तो हर कुछ की दवाई अपने मर्जी लगा कर मर्जी से दवाई खाने का कुछ आगे जैसे भी होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।